हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी भी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह से की है, पर सुबह के अब 9 बज चुका है और अभी तक मैंने सिर्फ साफ सफाई करके नहाया है। और अब मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और आज मैं नाश्ते में ब्रेड की कुछ नई रेसिपी ट्राई करूँगी। ये रेसिपी मैंने आज तक नहीं बनाई, आज पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। आप सभी को ज़रूर बताऊँगी कि ये रेसिपी बनाई जो मैंने तो मुझे कैसी लगी। आप सभी बताइएगा, देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। और वो देखिए, मेरा बेटा वहाँ पे लेटा है, टीवी देख रहा है। कार्टून देखने का शौकीन है ये, कार्टून दिन भर देखा करते हैं। कितना कार्टून देखते हो? नहीं बोलेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ एक प्याज लिया है, एक शिमला मिर्च, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची और ये लहसुन वगैरह छील लेती हूँ और धनिया साफ कर लेती हूँ। और ये है ब्रेड। तो चलिए बने रही और देखते रहिए कि कैसे क्या बनती है, क्या रेसिपी ये तैयार होती है। वैसे तो हम लोग चाय वगैरह सब पी चुके हैं, पर नाश्ता नहीं किया था सुबह उठे थे, तो चाय मैं सबसे पहले बना लेती हूँ, इसके बाद सुबह दूसरा काम करती हूँ। तो चाय वगैरह तो सबको दे दी थी, सबने पी भी लिए। अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तो बस उसी की पहले तैयारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। देर तो वैसे भी हो गई है, मैं बच चुका है तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से तैयारियाँ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लहसुन और जितनी भी सब्जियाँ मैंने इसमें डालने के लिए ली हैं ना, तो उनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और इसमें मैंने अदरक, मिर्ची, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन डाला है और इन सबको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और ये रेसिपी जो बनाई थी मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी खाने में, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही सिंपल से जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। और जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर अपने नाश्ते बनाते हैं उससे थोड़ी सी अलग थी, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटा है, क्योंकि बड़े टुकड़े शायद अच्छे ना लगें। इसमें गाजर वगैरह भी आप हम लोग मतलब डाल सकते हैं, पर गाजर थी नहीं, शिमला मिर्च थी, मटर थी, पर मैंने मटर वगैरह नहीं डाली। और सभी को मैंने महीन टुकड़ों में काट लिया है, अदरक को घिस लिया था। और यहाँ लिया है टमाटो केचप और वाइट विनेगर है, सोया सॉस वगैरह भी इसमें ऐड हो सकता है। एक तरीके से इसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल मंचूरियन के जैसा ही था, क्योंकि वही सारी चीज़ें इसमें भी ऐड की गई हैं। और इस रेसिपी को ब्रेड चिली रेसिपी बोलते भी हैं, जैसे चिली पनीर वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, और कोई मंचूरियन वगैरह तो उसकी ग्रेवी, उसका सॉस और जो होती है ना सब्जी, इसी तरह से हम लोग तैयार करते हैं। ठीक इसी तरह इसकी भी की गई थी। और ब्रेड को मैंने बिना कोई तेल या कुछ भी लगाए ऐसे ही सेक लिया था फ्राई पैन पे, और इनको अच्छे से सेक लिया था, खूब करारा सा। फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, और टुकड़े तो आप चाहें जैसे भी, जिससे भी पसंद हो, छोटे बड़े उस तरह से काटे जा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसके 4 पीसेस किए थे, चाहती तो मैं इसके और छोटे टुकड़ों में भी कर सकती थी। अगली बार बनाऊँगी तो थोड़े से इसमें तो 4 की जगह 6 टुकड़े कर लूँगी, थोड़े छोटे हो जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। टेस्ट तो इनका भी बहुत ही बढ़िया था। मैंने सारे टुकड़ों को काट लिया है और ये देखिए मेरे घर का सबसे बड़ा टमाटर चोर। मैं जब भी खाना बनाने के लिए किचन में खड़ी होती हूँ और टमाटर काट के रखती हूँ, तो इसी तरह से रोज़ इसका नियम है, इसी तरह से रोज़ टमाटर खा लेता है। और मुझे पता है ये बात, ये टमाटर ज़रूर लगा, इसलिए मैं हमेशा एक टमाटर अपने पास एक्स्ट्रा ज़रूर रखती हूँ। फिर इसने ये पूरा टमाटर खा लिया था और मैंने फिर अलग से दूसरा टमाटर काटा था। और फ्राई पैन में डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन को भी भून लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे अपना प्याज, प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे। और जब वो हल्का भून जाएगा तब डालेंगे उसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च और अदरक घिसी हुई, इन सबको भी भून लेंगे थोड़ा सा। और फिर डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक डालने से सारी चीज़ जल्दी गल जाएंगी। और इसमें हम ऐड करेंगे अपने सॉस, तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच, वैसे 2 ही चम्मच पर मैंने 3 डाल दिया है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर डाला है।
सोया सॉस होता तो वो भी मैं इसी समय यहाँ पे ऐड कर देती, पर मैंने सोया सॉस नहीं डाला है और इसे सिंपल ही ग्रेवी बनाई। इसमें तो थोड़ा सा आधा कप के करीब मैंने यहाँ पानी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, आधा कप से भी शायद थोड़ा कम ही हो, बहुत कम पानी डाला। और उसमें एक उबाल आ गया है, जब उबाल आ गया अच्छे से तो मैंने गैस बंद कर दी और यहाँ पे अपने ब्रेड के जितने भी टुकड़े थे वो डाल दिए हैं और इनको भी फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर दी क्योंकि अगर चालू रहेगी तो फिर ब्रेड है ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये रेसिपी ऐसी है कि तुरंत बनाओ, गर्म गर्म खा लो, रख देंगे तो ब्रेड की जो स्लाइस होता है एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो उसे जब भी आपको खाना हो तभी बनाएं तो अच्छी लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। फ्रेंड्स, नाश्ता बनके तैयार है तो आ जाइए आप सभी भी, कर लीजिए आपकी नाश्ता। और अब दे देती हूँ अपने हस्बैंड जी को। खाएगा बाबू? चाउमीन किधर? अच्छा, तुम भी खा लो बाबू। बाबू जल्दी से खा लो। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मशीन लगा दी है और मेरे कपड़े ये देखे धुल रहे हैं और ये काफ़ी धुल गए हैं। अब इनको पानी से साफ करना, हटो 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 हटो, इसमें मैंने डाली है। एक बारी बैच धुल गया है कपड़ों का तो उसमें बच्चा है, उनको पानी से साफ करूंगी। और क्या बात है, क्या बात है, अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं, चलो वहाँ चलो, चलो ला रहे ला रहे, चलो बाबू मेरा, चलो चलो ला रहे, चलो। और मैं खाना बना रही हूँ, तहरी, आज के खाने में तहरी बन गई है और ये आलू सब्जी वगैरह सब थी तो वो पक गई है। अब इसमें चावल डालने हैं तो चावल डाल के थोड़ी एक दो मिनट भून लेंगे और फिर पानी डाल देंगे। मसाला मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, बस अब इसको पक जाएगी, फिर सभी लोग खाना। और तब तक उधर एक साइड मेरे सारे कपड़े लगे हुए हैं वो भी धुल जाएंगे, धुल ही गए, बस इनके जैकेट वगैरह थी ना तो वो डाल दी है तो वो भी धुल जाएगी। डाल दूँगी तो आज नहीं तो कल तक सूख ही जाएंगे। धूप भी अच्छी होने लगी है, ऐसा नहीं कि धूप नहीं हो रही है। और तब तक यहाँ पर मेरा खाना भी बन जाएगा, तहरी बना रही हूँ। और जाड़े में ज़्यादातर मेरा तहरी ज़्यादा बनती है क्योंकि इस समय सब्जियाँ वगैरह काफ़ी आ रही होती हैं तो अच्छी लगती है खाने में, मटर वगैरह डाल के। और फिर गर्मी में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें खाने का इतना ज़्यादा मन नहीं होता है और जाड़े में ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, चावल डाल के इनको कुछ देर चला ले रही हूँ और फिर इसको पानी डाल के रख दूँगी और ये तहरी बन के तैयार हो जाएगी। और बेटा मेरा दूध मांग रहा है, इसको दे दो, लो सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, नींद आ रही है, रुट गया, ला रहे ला रहे ला रहे ला। बाबू को मिल चुका है इनका दूध और ये दूध पी के अब सोएंगे। सोएगा ना? नींद आ रही है कैसे ऐसे? अच्छा तो कर लो नीनी। और गलाटे कैसे लेते हैं? पापा को चिक्कू आ गई। अच्छा खर्राटे। और मेरे तहरी तो मेरी बन गई थी, कल मैंने दे भी दी थी मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग खा चुके थे, मैंने नहीं खाई थी अभी क्योंकि मुझे कपड़े मेरे धुल गए थे तो उनको पानी से साफ करना था, तो मैंने सारे कपड़ों को पानी से साफ किया और फिर फैलाने चली आई छत पे कि धूप भी बहुत बढ़िया थी, कपड़े भी बहुत जल्दी सूख गए थे, शाम तक सारे कपड़े सूख गए थे, बस ये थोड़े से मोटे कपड़े वही नहीं सूखे थे, जैकेट वगैरह बाकी तो सब आराम से सूख गए थे। देखिए धूप कितनी तेज है यहाँ पे। और मेरा बेटा भी पानी टपक रहा है जैकेट से, उसी से खेल रहा है। फिर ये शाम का समय है जब मैं चाय बना रही थी, खाना पीना खाने के बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, काफ़ी ज़्यादा थकावट से लग रही थी, फिर शाम को उठी थी और चाय बनाई सबको दी। और चाय पीने के बाद फिर मैंने अपने जितने भी कपड़े पड़े थे वो उठाए, फिर शाम के खाने की तैयारी की
और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था। मैं हमेशा चाय अपने ग्लास में ही पीती हूँ क्योंकि मुझे ग्लास में ही पसंद आती है, कप में मैं बहुत कम ही चाय पीती हूँ। और ये देखिए सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं, दोपहर में ही डाले थे पर धूप इतनी तेज थी कि सब कपड़े सूख गए हैं, कोई भी कपड़ा गीला नहीं है, बस जैकेट वगैरह ही थी जो गीली रह गई थी। सुबह नाश्ते में मैंने जो ब्रेड चिली बनाई थी वो काफ़ी टेस्टी थी, मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आई थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी और नेक्स्ट टाइम दोबारा जल्दी ही बनाऊंगी। और फिर मैंने वीडियो आगे ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस इतना ही वीडियो बनाया था। इसके बाद मैंने कल शाम को बनाई थी आलू की सब्ज़ी और रोटी। इसके बाद फिर रात के सारे काम स्टार्ट हो गए थे, काम तो शाम से एक बार स्टार्ट होते हैं फिर वो रात तक ख़त्म नहीं होते हैं, काम निपटाते निपटाते 10 तो बहुत ही आराम से मुझे बच जाता है, उससे पहले तो कभी भी मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।